ज्यादातर हम ये बोलेंगे कि सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं अपने करियर के प्रति जो उत्सुक रहेंगे और जो सर बोले उनके बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले ये जिंदगी में कहा जाता है कि संघर्ष ही जिंदगी है, या जिंदगी संघर्ष है, संघर्ष ही जिंदगी है, लाइफ इज स्ट्रगल जो बोला जाता है। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा जानवर नहीं है, कोई ऐसा मानव दाना नहीं है जिसको जिंदगी में आया उसको संघर्ष ना करना पड़े। इसीलिए संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। संघर्ष करके ना करने का क्षेत्र भले अलग अलग हो सकता है। तो विद्यार्थी का जो जीवन जो होता है वो जो है ना माना जाता है कि जो है ना 25 वर्ष तक जो है ना कुछ करने और गुजरने का जो ना जीवन होता है 25। इसीलिए आज भी देखा होगा IAS ऑफिसर का अभी भी रिजल्ट जो आया है उसमें बहुत सारा 25 से पहले सब IAS ऑफिसर बन गए। नहीं तो इसी में से बनते हैं। हम ही लोग आप ही में से तो निकल के जाते हैं। ऐसा कोई नहीं उधर से जो ऊपर से चला आता है IAS ऑफिसर बनने के लिए उनको भी जब सुना जाता है तो वो भी बताया जाता है कि आप पांचवा से लेकर जो है ना 12th तक जो पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए, जितने भी सब्जेक्ट दिए जाते हैं वही पढ़ के सब तो निकालते हैं। आज भी कहीं से भी जाके पूछे जो BPSC का भी कोई भी एग्जाम क्लियर कर रहा है तो इतना ही सब्जेक्ट तो बुलाई जाता है। और हम लोग ये तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं फिर भी हम लोग सफल नहीं हो पाते। सफल नहीं हो पाते इसका कारण है कि जो हम लोग बताते हैं आप उस पर नहीं चलते। ज्यादातर तो ये भी देखा जाता है कि कुछ आप जैसे एक क्लास में यहाँ पर जो ना दिया जा रहा है 10 विद्यार्थी को ही यहाँ पर जो ना आपको सम्मानित किया जाएगा तो उसके लिए तो रास्ता आगे का प्रसार धीरे धीरे जो नहीं भी है जिसको नहीं आ रहा है उसको वो अगला बार कोशिश करके इसमें शामिल हो सकता है। तो ये जो है ना इनाम का जैसे सर बताए कि इनाम का कोई जो ना मूल्य नहीं होता है, यहाँ पर पहुँचना बड़ी बात होता है। इनाम का कोई मूल्य नहीं होता है यानी प्राइस यानी उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है ना बार बार कहते हैं कि आपके लिए अच्छे टीचर का क्लास करो। और जो है ना चाइल्ड जोन कोचिंग सेंटर जो है ना शुरू से जो है ना और बहुत पहले से ही आपको जो है ना ये मार्गदर्शन देने में और सटीक जानकारी देने में आगे है। भले आजकल जो ना हम तो देख ही रहे हैं, हम जब से आए हैं हम भी अब साथ में तुम लोग जैसे ही प्रिपरेशन हम भी करते हैं, लेकिन ये है कि आपको जो है ना पूरा जितना बात बताया जा रहा है वो याद रखो। हम करते हम बराबर क्लास में बोलते हैं कि पढ़ना जो है ना पढ़ता तो सब कोई है, याद रहता कोई कोई को है। तो आप कोई कोई में रहो, पढ़ने वाला सब विद्यार्थी है कि याद रखने वाला कोई नहीं है, याद रखता है वही टॉप करता है। मेमोराइज आपका मेमोरी डेवलपमेंट होता है नहीं, तो इसीलिए याद रखो। और मैथ जो है ना प्रैक्टिस करो, इंग्लिश पर ग्रामर और जो ना वर्ड्स प्रॉब्लम पर ध्यान दो, यही से ना करना है जी। यही अगर शुरू का बेस जब मजबूत रहेगा आगे क्या दिक्कत है, आगे कुछ नहीं दिक्कत है। पैर जब जो है ना देखता है ना जिसका जड़ पैर का जो है ना मजबूत नहीं रहता है वो आंधी तूफान में ही ऐसे ही गिर जाता है। इसलिए हम लोग का जो न्यू जो है ना बढ़िया सबको बनाना है। हर कोचिंग में तो ये तो हम देखते हैं एक्स्ट्रा बैच जो पढ़ता है उसमें भी पता चलता है कि 9वां 10वां पढ़ गए, अभी जो है 9वां 10वां क्वेश्चन रिसेंटली उसको नहीं आता। ऐसा आप ना करें, जितना सर बता रहे हैं वो रिवीजन पर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और उसके याद रखो। देखो पढ़ता तो सब कोई है, करता कुछ कोई कोई, पाता कुछ कोई कोई। हम कहते हैं कि कोई कोई में आओ तुम लोग नहीं, जिससे समाज का नाम मिल समाज का नाम रोशन हो साथ साथ में हम लोग का। अब बार बार कहते हैं कि इतना इलाका जो मीरपुर पंचायत जो है ना जितना ये सारा चाइल्ड जोन कोचिंग सेंटर का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। भले बोलने के लिए बोल सकता है, वो तुम ही लोग के मुंह पर बोल सकता है, आज तक हमारे मुंह पर बोला नहीं है ना सर के किसी के मुंह पर बोले। इसलिए चाइल्ड जोन कोचिंग सेंटर पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा और उसको आप प्रेरित करो बच्चों। ये आपको जो ना ये सभी यहाँ के जितने भी टीचर है अपने ईमानदारी से जो ना पढ़ाते, इसमें कोई जो ना छल कपट से नहीं पढ़ाया जाता है। आपको वजह से पैसा नहीं वसूला जाता है, बाहर में पढ़ो या ना पढ़ो यहाँ तो फोर्स भी किया जाता है कि आप जो ना पढ़ो। तो इसलिए आपको देखो माता पिता जो गरीबी में जूझती है फिर भी बच्चों को अपने पढ़ाने के लिए जो ना सब कुछ जो है ना तैयार रहता है। तो आपको भी सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता गरीब है तो उसको गरीबी को हम दूर करें। और गरीबी को दूर करने का एक ही रास्ता है कि आपको जो ना पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष। यही विद्या है, ये विद्या कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा दौलत होता है। जिसने पा लेता है वो कहा जाता है, किताब तो खुद जमीन पर आता है।
किताब तो खुद जमीन पर रहता है लेकिन उसी किताब से पढ़कर आदमी आसमान तक अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। तो समझ लो किताब कितना उसका स्तर जो है ना नॉलेज है। इसलिए बड़ों और छोटों को भी लिहाज करो। ऐसे भी कहा गया है किताब से जो है ना सिर्फ ज्ञान मिल सकता है, किताब से आप ज्ञानवान बन सकते हैं पढ़ के, लेकिन बड़ों का बात अगर नहीं सुना तो बुद्धि आपको डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए बड़ों से जब बात सीखोगे तो बुद्धि का डेवलपमेंट होगा। तो हमको दोनों को करके रखना है, एक हमको जो है ना किताब वाला वो जो मेहनत करना है, साथ साथ में बड़ों को जो बात बताया जा रहा है उसको भी ध्यान रखना है। तो इसलिए जो ना अब इस बार जो ना स्टूडेंट सेंटर पे जितने स्टूडेंट है 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो इस बार आप देखें कि जी जो टॉप किए हुए थे उसको आपको पुरस्कृत किया गया था और उसको मिठाई भी खिलाया गया। तो तुम भी चाहोगे तो अगला बार तुम लोग की भी बारी आ सकता है। और तुम चाहोगे अपना ही सपना, माँ बाप का सपना, मेरा सपना पूरा मत करो, अपने माँ बाप का तो सपना पूरा करो। और हमेशा ये कहते हैं कि जो है ना एक शायरी हम बोलते हैं बराबर बोलते हैं ना जी, जो है ना तैरना है तो कहाँ तैरो, समुद्र में। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नली नालों में क्या रखा है। पढ़ना है तो चाइल्ड जोन कोचिंग सेंटर में पढ़ो, दूसरे कोचिंग में क्या रखा है, बोलते हैं ना जी। इसलिए जो है ना जो आपका ये कोचिंग जो चाइल्ड जोन कोचिंग सेंटर पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपना मार्ग पर आप चलिए, हम दर्शन देने के लिए तैयार है। और यहाँ के सभी भी टीचर योग है, इसमें किसी का संदेह डाउट नो सस्पेंशन इन माय चाइल्ड जोन कोचिंग सेंटर। तो पहले और